Assalamualaikum. How are you all? Today's recipe is for vegetable lovers, or I can say brinjal lovers. I'm going to make different style brinjal recipe. Hope you all will like it. And let me tell you about brinjal. It reduces the risk of heart diseases and control blood sugar level. So let's start the recipe. Before you note down ingredients, let me tell you, I will make this recipe in three simple steps. First, I will cut the brinjals in stripes and then I will fry it. And in the second step, I will fry this garlic cloves, onions with all these ingredients. And the third step, I'm going to mix brinjal and this onion together. Okay, this is how I'm going to make it. So let's note down the ingredients. For this recipe, you need 5 medium-sized brinjals, 3 medium-sized onion, 2 garlic cloves or garlic according to your taste. If you like to eat more garlic, you can take 3 garlic cloves. Here, 3 tablespoons ketchup, 1 teaspoon soya sauce, 1 teaspoon chili sauce, and this tamarind. As you can see, tamarind, imli. You have to soak this in water. Here are spices. 1 teaspoon turmeric powder, 1 teaspoon chili powder, or according to your taste, 1 teaspoon salt. So this chili powder you can take according to your taste. Tomatoes, 2 tomatoes. So let's start the recipe. Let me cut the brinjals first and then I will show you the process. ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने कट कर लिए हैं. अब बिल्कुल ही टाइम वेस्ट किए बगैर मैं बता दूं आपको, ये रह गया एक. आप सोचोगे इतने मोटे मोटे क्यों कट किए हैं, वो इसलिए कि जब ये अभी तले जाएंगे तो ये बिल्कुल श्रिंक हो जाएंगे, छोटे से हो जाएंगे फ्राई करूँगी तो. अब यहाँ पर आप देखें, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा. जल्दी से, ये सॉल्ट है, इसमें सॉल्ट डालने लगी हूँ. आप देख सकते हैं रेड चिली पाउडर है, हल्दी, टर्मेरिक पाउडर डाल के इसको ना मिक्स करना है. Mix it well and then fry it. Keep it for 5 to 10 minutes. After that, fry this. Chili you can add according to your taste. Salt also. जी तो देखें, ये हमारे हो गए हैं और उनको मैंने छोड़ भी दिया था थोड़ी देर के लिए. अब ये है कि ये यहाँ पर ऑयल रखा है फ्राई करने के लिए, तेल. अब इसमें डालने लगी हूँ मैं, ठीक है. इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे. अभी इनका साइज़ जो है ना बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा फ्राई होने के बाद, ठीक है. पहले ये फ्राई होगा, उसके बाद का स्टेप आपको बता. मैं इसको ढक के रख रही हूँ, कवर कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए. बहुत डिफरेंट स्टाइल रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा. बैंगन आलू तो हम लोग सब खाते हैं, खूब खाते हैं, चावलों के साथ खाते हैं, लेकिन ये बहुत डिफरेंट है. तो आप लोग ज़रूर कोशिश करिएगा कि बनाएं, आप लोगों को बहुत पसंद आए. ये लिड कवर कर दिए. अब जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कैसे लग रहे हैं और उसके बाद बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. तो हम अब देख लेते हैं, देखें ये अभी हो रहे हैं, अभी अभी तक हो रहे हैं ये फ्राई. बस थोड़ा सा ये अपना कलर चेंज कर लेना. देखिए कितना इसका साइज छोटा सा हो गया, छोटे से हो गया बिल्कुल. इसके लिए मैंने मोटे मोटे काटे थे. अभी ये अपना कलर जैसे ही चेंज करते हैं तो फिर इनको मैं डिश आउट करके दिखा दूँ. अभी तो ये हो ही रहे, फिर इनको इसी तरह होने दें.
ये आप देख सकते हैं कि फ्राई हो चुके हैं, अब इसको डिश आउट करने लगे। देखिए बहुत ही मज़े के बनेंगे ये, और थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा स्टाइल, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। जी तो आप देखें ये बैंगन का तो काम हो गया है, अब मैं क्या करने लगी हूँ यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। यही जो ऑयल है इसी ऑयल को हम यूज़ करेंगे इसके लिए, फ्राइंग के लिए। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा जो ऑयल है ना इसमें से कम कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयल है। ठीक है, मैं आपको कम करने के बाद, हमें जो ऑयल लेना है वो 5 to 6 टेबल स्पून होगा। ये देखें, हाँ मेरा ख्याल है इतना ऑयल काफ़ी है। ये देखिए बस इतना ऑयल, अब इसमें जो है सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये फ़ौरन ही ये जाएंगे गार्लिक क्लोव। मैंने आपसे कहा था कि मैं फ्रेश डालना पसंद करती हूँ। ओहो बोलना चला गया, जल्दी जल्दी काम करना है। तो गर्म है बहुत, चले इसको ऐसे ही रहने दें। ये देखें ये हो गए हैं हमारे लहसुन, अब सिर्फ प्याज जाएगी वो। देखें अभी टमाटर बिल्कुल नहीं जाएंगे, प्याज को फ्राई करेंगे हम और उसके साथ ये सब कुछ डाल देंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा उसको नरम होने दें, ये मैं प्याज को फ्राई कर लेती हूँ थोड़ा। जब ये नरम हो जाएगी तो फिर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। पहले ये हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें प्याज हमारी नरम हो चुकी है, अब मैं साथ में इसमें बाकी चीज़ें ऐड करने लगी हूँ। मैं दिखा देती हूँ, केचप चला गया 3 टेबल स्पून था, सोया सॉस चली गई, ये लहसुन काटते हुए हाथ जल गया मेरा ग्राइंड करते हुए, चिली सॉस चली गई। थोड़ा इसको जो है ना चलाएंगे, ये देखें ये इमली का पानी है, ये मैं थोड़ा ही डालूंगी। I think that's enough. If you are not having this tamarind, you can use lemon. बस देखें इतना डाल के थोड़ा सा इसको हिलाएंगे। ये देखें ये हो गया है, अब जो है या अल्लाह ये डालने लगी उसमें, ये तो ऑलरेडी डन है, बस डाल के थोड़ा सा बस चम्मच चलाना है, मिक्सिंग अच्छी करनी है आपने, इसको अच्छे से मिक्स कर दें आप।
अच्छा ये यहाँ पर ये ग्रीन चिलीज़ है, मैं बताना भूल गई थी आपको, ये भी ऊपर से डालनी है। बस ये हो गया, और ऊपर से बिल्कुल लास्ट स्टेप ये है कि ये टोमेटोज जाएंगे। बस टोमेटोज को पकाना नहीं है, ढक्कन देखिए मैंने इसको मतलब ढक्कन डाल देंगे, 2 मिनट के बाद ये डन। 2 मिनट तक इसको रखेंगे ऐसे, उसके बाद ये रेसिपी डन। देखें ये तैयार हो गए हैं, अब इसे मैं डिश आउट करने लगी हूँ। ज़बरदस्त से बैंगन तैयार है, देखिए आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने। ये देखिए मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो जो ना इसे खाने लगी हूँ।